नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सलमान। स्वागत करता हूं आप सभी का ट्रेंडिंग वर्ल्ड में। सेडनास की जोड़ी वैसे तो A1 अपना काम करती है, मतलब हर तरह से अपने फैंस को एक अच्छी क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश करती है। जिस तरह से सेडनास फैंस की डिमांड थी कि हमें सेडनास को देखना है, हमें सेडनास को देखना है, और सेडनास वहाँ पर लाइव आए और 34 मिनट का लाइव रहा था, किसी ने भी नहीं सोचा था। हालांकि यहाँ पर मेरे पास जो अपडेट था वो भी 10 से 15 मिनट का था, मगर 34 मिनट का लाइव होना बहुत ज़्यादा एक बड़ी काबिलियत वाली बात है कि अपने सेडनास के लिए जिस तरह से उन्होंने अपने फैंस को मोमेंट दिखाए थे। उसके बाद से किस ने कॉपी करी, सबसे पहली मतलब एक ही ऐसी जोड़ी ने कॉपी करी जो करना नहीं चाहिए था वाकई में, मगर क्या करें, उनका कॉपी करे बिना कुछ मन वैसे लगता नहीं है। जब तक वो कॉपी ना करे, जब तक उनको सुकून नहीं मिलता। तो इनफैक्ट यहाँ पर पाहिरा की जोड़ी पारस माहिरा वो भी लाइव आए थे। उनका जो रिंग सॉन्ग आया था 3 दिन पहले, तो वहाँ पर क्या हुआ था, हर तरह से सेडनास की कॉपी करते हुए नजर आ रहे थे। और वहां पर 2-3 बातें कुछ सेडनास को लेकर के बोली हुई थी। हालांकि फैंस का कहना था कि वो शहनाज को ऐसे बोल रहे थे, और सिद्धार्थ को जो है वो गलत बोल रहे थे कि सिद्धार्थ शुक्ला इनके पास काम वाम नहीं है तो ये लाइव ही आएंगे, कुछ इस तरह की बातें रखी गई थी। मगर एक्चुअल में इन लोगों को ये नहीं पता कि जब वो उनका प्रोजेक्ट आएगा तो एज अ प्रोफेशनल वाला प्रोजेक्ट जो है वो एक्यूरेट आएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐसा उल्टी सीधी गाना लिया है इनकी तरह, जिस तरीके से इन्होंने एडिटिंग का खेल किया था इस सॉन्ग के अंदर, रिंग सॉन्ग के अंदर, उसकी बड़ी बेइज्जती सॉन्ग की जो है वो अच्छे तरीके से हो गई। और पारस छबड़े को अभी तक ये चीज़ समझ में नहीं आई है कि इनका फैंडम जो है वो कितना बड़ा है, हमें इनके अगेंस्ट नहीं बोलना चाहिए। हालांकि यहाँ पर सेडनास की जोड़ी जवाब नहीं देती है, वहाँ पर जवाब ये सब देते हैं जितने भी सारे फैंस हैं, जितना भी बड़ा फैंडम है, तो सारा ही फैंडम उनको ट्रोल करने पर उतर जाता है, जिस तरह से उनकी ट्रोलिंग होती है। अब इन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि मज़ा आता है इनको ट्रोलिंग से या फिर इनको खुशी मिलती है, ये चीज़ जो है वो समझ में नहीं आती। हालांकि इन सबको अच्छा लगने लगा है कि सारे ही फैंस जो है वो गलत बोल रहे हैं और अभी तक सेडनास की जोड़ी से किलसते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सारा फैंडम जो है वो सेडनास की तरफ झुका हुआ है और इनकी तरफ कुछ भी नहीं है। हालांकि इनको फॉलोवर जो है वो बनाने पड़ रहे हैं, ख़रीदने पड़ रहे हैं फॉलोवर्स। अब वो खरीद कैसे रहे हैं, जो फैन पेज है सेडनास के वो कुछ जो है वो बिक जाते हैं और वो उसको ये परचेज कर लेते हैं, फिर ये दिखाते हैं कि हमारे फैन पेज है, नाम वगैरह सब कुछ चीज़ें चेंज करके। तो मतलब कहने का ये है कि हर तरह से सेडनास को जो है वो कॉपी करते हैं, हर तरह से अपने हेटफुल स्टेटस सेडनास को देते हैं। ऐसा क्यों होता है ये अभी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि जैसे अपडेट्स आती रहेंगी वैसे मैं आपसे इस बारे में शेयर करूंगा, मगर हाँ, पारस को पूरी तरह से कहीं तक छोड़ने का नाम नहीं लेना है। और जैसे इनका सॉन्ग आए या कुछ आए, तो हालांकि अब तो सॉन्ग इनका आने से रहा, क्योंकि सॉन्ग की जो है वो बहुत ज़बरदस्त वाली बेइज्जती ऑलरेडी हो चुकी है। तो इस वजह से अब इनका प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है आना, और इनको देखना कोई भी पसंद नहीं करता है, साफ तौर से एक्यूरेट अगर मेरी राय अगर यही होगी तो। ये ना ही करें काम तो अच्छा ही होगा, क्योंकि वो बेकार है इनके लिए काम वाम करना, इनका कोई फ़ायदा कोई बेनिफिट वाली ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पर सेडनास की जोड़ी से कितना ज़्यादा किलसा जा रहा है, सिद्धार्थ शुक्ला से कितना ज़्यादा जैलिस फील किया जा रहा है, शहनाज गिल को हेडफुल स्टेटस दिया जा रहा है, सिद्धार्थ शुक्ला को ये सब कहा जा रहा है कि तुम्हारे पास काम नहीं है। हालांकि काम जो है अब सेडनास का बाहर निकल के आने वाला है, तो हम उसके लिए वेट कर रहे हैं, और सेडनास का प्रोजेक्ट ही इनको मुँह तोड़ जवाब अच्छे से दे पाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे फिलहाल इस बारे में, जल्दी से नीचे मुझे कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, चैनल पर नहीं हो और इनसे जुड़ी अपडेट्स भी रेगुलर आप तक पहुंचाई जाती हैं, तो जल्दी से करिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।